हाय, मेरा नाम आदित्य है। और पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने जाना कि कंटेनर्स क्या होते हैं, लिव्स क्या होते हैं, और यूज़र क्या होते हैं, और यूज़र बनाते कैसे हैं, उनके कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं यूज़र्स के। इस वीडियो में हम कमांड से जानते हैं कि यूज़र कैसे बनाते हैं। तो पिछली वीडियो में नॉर्मल यूज़र बनाना हमने सीखा, और इस वीडियो में हम डीएस एड के बारे में, LDIFDE और बाकी के कुछ चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। तो इस बार मैं मशीन पे चलता हूँ, और देखिए यहाँ पे अभी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर सेंस कंप्यूटर्स पे मैं आता हूँ, और यहाँ पे यूजर्स देखिए अभी कोई स्पेशल यूज़र नहीं है, जो ऑलरेडी बने बनाए होते हैं, कुछ बिल्ट इन अकाउंट्स वही हमारे। तो हमें जब मल्टीपल्स यूज़र बनाने होते हैं तो हमको एक फाइल बनानी होती है, जैसा कि अभी अभी हमने बताया कि अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ मल्टीपल्स फाइल बनानी होती है। सो देखिए वो मल्टीपल्स फाइल्स कैसे बनाते हैं हम। यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे ऑलरेडी बना रखी थी, क्योंकि काफ़ी समय लगेगा। आपको लिखना है DN और फिर कॉलन सी स्पेस CN सेल्स। सेल्स के लिए हम बना रहे हैं, और उसका नाम सेल्स है जो यूज़र है, और वो ऑब्जेक्ट कैसा है, यूज़र आदित्य डोमेन कंट्रोलर पे बन रहा है, डोमेन कंट्रोलर टाइप है .com, फिर से यूज़र, और 514 का मतलब है वो अकाउंट जो है डिसेबल रहे, और UPN नेम, जो भी UPN नेम आप डालना चाहते हो। तो एक ऐसी टेम्पलेट्स आप बना लो, जैसे कि देखिए एक टेम्पलेट हमने बना लिया और इसको किया हमने कॉपी, और कॉपी करने के साथ और हमने कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के साथ मान के चलो अगर हमें दूसरी यूजर्स, तो देखिए ये सेल्स 01 है, मैं 02 है तो 022 कर देता हूँ, बाकी की चेंजेस आपको जो करनी हो कर दो। सो एक नया अकाउंट बन गया। इस प्रकार जो क्रम से हमको अकाउंट्स बनाने होते हैं, या ढेर सारे अकाउंट्स बनाने होते हैं, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो इस सीक्वेंस में रख के। सो ये नोटपैड पे लिखा जाता है, एक बार फिर से देख लीजिए, DN और डॉट डॉट लगाते हैं, स्पेस CN सेल्स, फिर उसको सेपरेट करते हैं, फिर CN यूज़र, फिर से सेपरेट DC, और ये इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट कैसा है, यूज़र बन रहा है, और यहाँ पे कोड जो 514 रखा गया, जिसका मतलब यूज़र डिसेबल रहे, कोड चेंज करके आप इनेबल भी कर सकते हो, उसका UPN नेम क्या हो। तो इस प्रकार हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यूज़र बनेंगे। तो जब हम इसे सेव करते हैं, जब इस फाइल को सेव करते हैं, तो उसको जब भी सेव करिएगा तो सेव एज जो आप लगाइएगा। तो देखिए सेव कर दिया इसे, एक्चुअली ऑलरेडी मैंने इसको सेव किया था, उसका एक्सटेंशन जो बनेगा वो .LDF बनना चाहिए, तो आप एक्सटेंशन उसका चेंज कर दीजिएगा। ओके, और फिर उसके बाद यूज़र की एंट्री करने के लिए हमें कमांड लिखनी जो होती है वो LDIFDE स्पेस I फॉर इम्पोर्ट किया जा रहा है, F फॉर इस फाइल से, और ये फाइल्स के बाद जो हाइफ़न C लगा है, हाइफ़न C का मतलब ये है कि जो भी हमारे यूज़र्स बनेंगे उनकी जो लॉग फाइल बनेगी, जो भी यूज़र बना या नहीं बना या सक्सेसफुल बना, उसकी लॉग फाइल कहाँ पे रखी जाए, जितने भी यूज़र्स या ऑब्जेक्ट्स की एंट्री होगी इस कमांड्स के थ्रू, तो इस कमांड्स का ये यूज़ है। और देखिए तो फाइल हमारी कहाँ पे है, फाइल है yy.ldf डेस्कटॉप पे, चूंकि मैंने इसे डेस्कटॉप पे ही सेव किया है। अगर आप System32 पे काम कर रहे हो, सपोज दैट कि नॉर्मली जब हम CMD खोलते हैं, जैसे मैं यहाँ से एग्जिट होता हूँ और CMD खोलता हूँ, देखिए वो एडमिनिस्ट्रेटर पे चलता है, तो इस केस में हमको पूरा पाथ लिखना होगा, पूरा पूरा हमको पाथ लिखना होगा। तो देखिए अगर आप पूरा पाथ लिखना चाहते हो तो कैसे लिखना होगा, और इसके लिए आपको पूरी पूरी पाथ। सो LDIFDE स्पेस हाइफन आई फॉर इम्पोर्ट कर रहे हैं, हाइफन फाइल, फाइल की पूरी पाथ लिखनी होगी। तो हमारी फाइल है सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटर के डेस्कटॉप पे, और उस फाइल का नाम है yy.ldf, और साथ में हाइफन जे का मतलब जो भी हमारे अकाउंट्स बने, एंट्री हो, उसकी लॉक फाइल रखी जाए सी ड्राइव के अंदर आदि नाम के एक फोल्डर में। तो देखिए आदि नाम का मैंने एक फोल्डर यहाँ पे बना रखा है, जिसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स की हमारी एंट्री होगी। अभी देखिए ये फोल्डर, पहले हमने इस फोल्डर को, इसको हम डिलीट कर देते हैं, लॉक पहले से बनी है, क्योंकि इसके पहले ही हमने कमांड चलाया था ये, और फिर बाद में आपको समझाने हेतु फिर से। सो लॉग हमारी सी ड्राइव के अंदर
आदि नाम के फोल्डर में क्रिएट होगी। सो इंटर में प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली सेवन एंट्री मॉडिफाई हो गई है। एक बार मैं कंफर्म करता हूँ क्या मॉडिफाई हुई है कि नहीं, बनी है कि नहीं। तो देखिए इस कमांड्स के थ्रू जो हम लोगों ने अकाउंट्स बनाए, देखिए सेल्स 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 सीता और राम लक्ष्मण, ये हमारी अकाउंट्स बनी है और सबके सब डिसेबल पड़ी है क्योंकि डिसेबल हम लोगों ने वहाँ पे कमांड दिया था। और दूसरी बात जो लॉग हमारी बनी है तो देखते हैं हमारी लॉग क्या है। सी ड्राइव के अंदर हम जाते हैं, आदि फोल्डर के अंदर जाते हैं और इस फाइल को हम क्लिक करते हैं। तो इस फाइल में देखिए पूरी लॉग्स हमारी हैं कि इतने अकाउंट्स की एंट्री हो गई हैं। तो सिंपली आपको करना क्या होता है कि इस कमांड को यूज़ करने के लिए आपको एक टेक्स्ट फाइल बनानी होती है, किसी नोटपैड में खोलिए और नोटपैड खोलने के साथ साथ इस चीज़ों को हम फॉलो करते हैं। तो जो भी यूज़र अकाउंट्स बनाना चाहते हो, तो एक बेसिक मैंने नॉलेज दिया है और इसके बाद सेम चीज़ को कॉपी करते हुए बेसिक चीज़ों की हमें एक यूज़र की सिर्फ सिर्फ चेंज करना होता है। क्योंकि अगर हम नॉर्मली यूज़र बनाते हैं तो देखिए क्या होता है, हम स्टार्ट पे जाते हैं, एक्टिव डायरेक्टरीज पे जाते हैं और यहाँ पे पहुँचते हैं, और यहाँ पे पहुँचने के साथ ही हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे आते हैं, और न्यू पे आने के बाद एक लंबी प्रोसेस हमको फॉलो करनी पड़ती है। यहाँ पे नाम, यहाँ पे नाम, यहाँ पे नाम, फिर नेक्स्ट, तब कहीं जाके एक यूज़र बनता है। तो इसके थ्रू अगर आप टेक्स्ट फाइल पे ऑलरेडी बना के रखे हो तो इसको आप इम्पोर्ट करा सकते हो और उसको चला सकते हो। सो इस वीडियो में हमने जाना कि इस फाइल्स को जो है LDF फाइल उसको यूज़ करते हुए, यानी आप LDFDE कमांड को यूज़ करते हुए कैसे यूज़र्स को बनाते हो। साथ ही साथ मैं DS एड्स के बारे में भी और बता देता हूँ मैं इस वीडियो में। सो बाकी की एंट्री करने के लिए, DS एड के थ्रू एंट्री करने के लिए कुछ बाकी के यूज़र्स को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पर से, और तब तक के लिए मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। सो इस कमांड को हम यूज़ करते हैं DS एड के थ्रू अकाउंट बनाते हैं, तो DS एड OU बनाने के लिए आप OU लिखिए, फिर OU का नाम क्या है, सेल्स आदित्य, और स्पेशली सिर्फ अगर हम सिर्फ यूज़र की बात करते हैं तो सिंपली प्रोसेस को सिंपल रखने के लिए हम सिर्फ यूज़र की अगर बात करें, सो देखिए ये है DS एड स्पेस यूज़र स्पेस CN, यूज़र का नाम किस OU के लिए बना रहे हो। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा कि बेसिकली इजी तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम स्टार्ट करते हैं। सो देखिए मैंने एक स्क्रिप्ट फाइल यहाँ पर बना रखी है DS एज यूज़र CN। तो देखिए सपोज दैट मैं यहाँ पे इस फाइल को करता हूँ कॉपी। ये स्क्रिप्ट मैंने इसलिए बना रखी है कि एक साथ कई यूज़र बनाने हों हमको। कॉपी किया और हम कमांड पे लौट के आते हैं और कमांड पे राइट क्लिक करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, और थोड़ा सा यूज़र्स में चेंजेस मैं करता हूँ। यूज़र का नाम पप्पू है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ कन टो सो कर देता हूँ। सो DS एट यूज़र CN कन टो सो OU सेल्स के लिए हम बना रहे हैं। अगर तो इसके पहले हमको OU बनाना होगा। डोमेन कंट्रोलर कौन सा है, जो आदित्य.com। सो ये हमारा जो बनेगा OU, तो फिलहाल हम OU नहीं बनाए हैं अभी, तो इसको हम हटाते हैं। OU हम हटाते हैं और OU में हम नहीं, एक नॉर्मली एंट्री कर रहे हैं सिर्फ यूज़र की, और DS एड यूज़र CN कन कन कंटोको और DC आदित्य, और मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए क्या होता है कि देखिए हमारा एक अकाउंट सक्सेसफुली बना दिया गया। तो इसी प्रकार आप इस फाइल को कॉपी करिए, और जैसा कि देखिए हमने ये बना के रखा है, स्क्रिप्ट एक बना के रखी है। सो इसको हम पेस्ट करके चेंज करते जाते हैं, चेंज करते जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक OU भी बना के रखा है। तो जब नॉर्मल यूज़र हम बनाते हैं नेट स्पेस यूज़र से, तो वो OU का यूज़र नहीं बनता, वो एक नॉर्मल यूज़र बनेगा। तो अब किसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि यूज़र बने, साथ साथ किसी का मेम्बर बन जाए, तो उसके लिए अब देखिए अब OU कैसे बनाते हैं। तो OU के लिए हमको क्या कमांड चलाना होगा, हमको लिखना होगा DS एट OU, OU जो होगी हमारी सेल्स। तो फिलहाल देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और कमांड पे लेकर जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो देखिए हमारा एक OU बन गया। कंफर्मेशन के लिए हम लोग OU पे आते हैं, क्या ऐसा OU बना हमारा। तो आप देखोगे क्या कि ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हमारी बन गई है, देखिए सेल्स नाम से OU हमारी बन गई। अब
इस ओयू में अगर हमें किसी ग्रुप को बनाना है तो ग्रुप के लिए फिर से ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करनी होती हैं आपको। ग्रुप इस बार बन रहा है CN, और ग्रुप का नाम है बेस्ट सेलर्स, और किस ओयू में बन रहा है, सेल्स के ओयू में बन रहा है इस ग्रुप का नाम है। तो ओयू सेल्स के अंदर बन रहा है। डोमेन कंट्रोलर उसका कौन सा है आदित्य, और किस प्रकार का डोमेन कंट्रोलर है ये? .com टाइप का डोमेन कंट्रोलर है। तो इस कमांड को हम यहाँ से करते हैं कॉपी, और फिर से ले जाके हम पेस्ट कर देते हैं और एंटर करते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारा एक ग्रुप बन गया। सो फिर से देखते हैं हम, हमारा ग्रुप बना कि नहीं। और अब आप देखोगे कि हमारा यहाँ पे ग्रुप बन चुका है सेल्स। सेल्स के अंदर हम आए, सेल्स के यूजर्स के अंदर, तो एक ग्रुप हमारा बन जाना चाहिए। थोड़ी सी हमें लगता है कोई दिक्कत हुई कमांड में। सो DS एड ग्रुप, ग्रुप का नाम है बेस्ट सेलर, सेल्स OU के अंदर बन रहा है, डोमेन कंट्रोलर ये है, और उस तो सक्सेसफुली क्रिएटेड हमारा दिखा रहा है। एक बार मैं देखता हूँ कि कौन सी एरर आ गई इस। सो एरर कुछ नहीं आई है, सिर्फ हमको रिफ्रेश करने की नीड थी। तो देखिए हमारा एक ग्रुप बन गया। मैं चाहता हूँ इस ग्रुप के सब कुछ यूजर्स बने, कुछ मेंबर बने इस ग्रुप के। तो पूरी पूरी अब हमको फिर इस बार लिखना होगा इस DS एड यूजर CNNM, यानी कि वो यूजर का नेम किस OU का बन रहा है सेल्स के लिए, और एक्टिव डायरेक्टरी। सो इससे हमारा देखिए एक यूजर बनेगा, और इसको हम करते हैं कॉपी DS एड यूजर। तो यार यहाँ पे भी पूरा देखिए UPN नेम देना चाहते हो, पासवर्ड चेंज हो नहीं, तो जैसे ये इस कमांड को देखो तो सिंपली DS एड यूजर CN पप्पू यूजर का नाम बनेगा, वो सेल्स के अंदर बनेगा, आदित्य डोमेन कंट्रोलर होगा, डोमेन कंट्रोलर .com टाइप का है, जिसका UPN नेम बनेगा पप्पू @आदित्य.com। जो डिस्प्ले नेम होगी जो दिखेगा उस पे वो होगा पप्पू, और इसकी पासवर्ड डाल दिया गया है आदित्य@123, और अगली बार जैसे ही ये लॉगिन होगा वो चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए मैंने उसको मेंबर बना दिया है, मेंबर है वो बेस्ट सेलर का OU में जो डोमेन कंट्रोलर है। तो ग्राफिकली हम ऐसा करेंगे, तो एक बार मेंबरशिप बनाएंगे और एक बार फिर OU का ये इन्फॉर्मेशन देंगे, सॉरी यूजर्स का इन्फॉर्मेशन देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसी फाइल को हम अगर स्क्रिप्ट बना ले .batch फाइल। सो देखिए इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और एंटर करता हूँ। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी हमको दिक्कत आई है, DS फेल्ड डिस्प्ले एज अननोन पैरामीटर कह रहा है। सो सिंपली जो बनाने का तरीका होता है, तो देखिए मैंने वो यहाँ पे कुछ हमने फाइल बना के रखी है। देखिए ये इस फाइल के अंदर हमने इतने यूजर बनाए हैं, तो इसको बैच फाइल में हमने बना दिया। तो बैच फाइल नॉर्मली ऐसे, बैच फाइल मतलब कि जब हम नोटपैड को सेव करते हैं तो सेव एज बैच फाइल करते हैं। सो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ, तो देखिए सबकी एंट्री होती जा रही है, अब सभी यूजर अपने आप बनते जाएंगे, और इस प्रकार ढेरों यूजर्स आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर में बना सकते हो। अब यूजर्स की संख्या हमारी बढ़ती जाएगी, इसके लिए हमें थोड़ा सा रिफ्रेश करना होगा और थोड़ा सा वेट करना होगा। देखिए ये जैसे हमने रिफ्रेश किया तो बेस्ट सेलर्स के जो यूजर्स बने पप्पू नाम से। इस प्रकार आप कमांड को यूज करते हुए मल्टीपल्स यूजर्स बना सकते हो, ढेर सारे यूजर्स आप बना सकते हो, और कमांड से काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप एक ही साथ उसको मेंबरशिप दे सकते हो, किसका मेंबरशिप देना चाहते हो, उसका पासवर्ड चेंज हो या ना हो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि सिंपली कमांड्स को यूज करते हुए या स्क्रिप्ट्स को यूज करते हुए कैसे हम मल्टीपल्स यूजर्स को बनाते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर